नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चंद्रा। जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, जरा सा देख लीजिएगा, मोबाइल का और प्रिंटिंग बिजनेस है। मोबाइल का और प्रिंटिंग बिजनेस के ऊपर मैं हंगामा बचा हुआ इंडिया लेवल पे, तो मैं आपको बता दूं कि जब हंगामा बचा हुआ इंडिया लेवल में, कारण क्या है आपको मैं बताऊं, जरा सा स्ट्रैटेजीज में बात करूंगा। क्योंकि देखो, प्रिंटिंग का जितने भी वीडियोस है मेरे कलीग्स दिखाते हैं, मेरे ऑफिस में जो पीपल है, क्योंकि देखो मैं बिजनेस का स्ट्रैटेजी बनाता हूं, आप लोग सारे जानते हो। तो बिजनेस का स्ट्रैटेजी इसमें पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल कवर का प्रिंटिंग में आप देख पा रहे हो कि मोबाइल कवर को प्रिंट करने के लिए आप यहाँ देख पा रहे हो, एक जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का चाहता क्या है, एक एंड कंज्यूमर चाहता है एक मोबाइल का बहुत अच्छा सुंदर सा कवर, एक डिजाइन का कवर, मोबाइल कवर, फोटो कवर, ऐसा करके चाहता है। लेकिन आपको जब मार्केट में जाओगे, मार्केट में बेचने के लिए जाओगे, तो मार्केट में बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि मोबाइल का कवर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा दिक्कत है वो है मोबाइल की डाई। ये जो मोबाइल का डाई है, आप समझ सकते हो मोबाइल का डाई सबसे कॉस्टली है। तो उसके चलते क्या है, आपको शुरुआत में जब काम करोगे तो आपको 200 मॉडल, 400 मॉडल, 500 मॉडल से कर नहीं पाते हो। आप लेके चलते हो कि मोबाइल कवर का प्रिंटिंग का एंटायर प्रोसेस में, जो कवर के ऊपर में प्रिंट हो रहा है, प्रोसेस में आप देख रहे हो कि आपको मोबाइल कवर प्रिंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की चैलेंज आ जाती है, इन्वेस्टमेंट के चैलेंज के चलते। उसके लिए आप क्या करते हो, एक मोबाइल कवर का सेटअप लेते हो और वुडन का डाई लेते हो, ये सब नाना फलाना ठिकाना काम करते हो। एट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप अपना एंड कंज्यूमर को लूज कर पाते हो। तो दोस्तों, इस आज मैं जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मोबाइल कवर को प्रिंट करने के लिए आप यूज करोगे एक सॉफ्टवेयर, जिसमें आदमी जो पर्सन है, जो बेसिकली डिजाइनर है, उसका उसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। यस, इसके ऊपर आप कंप्यूटर के ऊपर इन्वेस्ट करो आप, क्योंकि आप आदमी के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, आदमी हमेशा एक सर्टन टाइम के लिए काम करता है। तो आपको एक मोबाइल कवर को मैन्युफैक्चर करने के लिए 35 रुपया आदमी का खर्चा लगता है, 10 महीने एन एम्प्लॉयमेंट में आपको 35 रुपये का खर्चा पड़ता है। या खुद यदि आप डिजाइनर हो, आप समझो आपका भी टाइम, तो आपका टाइम कहाँ स्पेंड करना होगा, मार्केट को ग्रोथ करने के लिए, मार्केट को डेवलपमेंट, ऑर्डर को बुकिंग, मार्केटिंग के लिए आपको टाइम को इन्वेस्ट करना होगा। जब मार्केटिंग में आपको इन्वेस्ट करने की बारी आती है, तो आपको मेजर चैलेंज आ जाता है कि मार्केटिंग करना कैसा है। तो आप लोग कभी भी नहीं जानते, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, महीना में 2 लाख रुपए के इनकम की गारंटी है, तो इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, 2 लाख रुपए का इनकम के लिए कितना इन्वेस्ट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत पीपल बोलते हैं कि 10 लाख 15 लाख करना है, तो पैसा कमाने की बात है, ये मैं बात करता हूँ कि ये नोट जो है, ये जो पैसा कमाना है, इससे सस्ता, इससे इजी और कुछ नहीं है। क्योंकि इसको जो कमाने के लिए आपको चाहिए दिमाग, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए मेरे पास। तो आप लोग हमेशा देखते हो कि मेरे को दिमाग कौन देने वाला, दिमाग जो देता है उसको सोचते हो कि दिमाग नहीं है, जो दिमाग आपके पास है वो नहीं है। जब दिमाग आपके पास नहीं है और दिमाग को सोचने वाले की क्षमता नहीं है, तो ये वीडियोस देखो। जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है। क्योंकि मोबाइल कवर को प्रिंट करने के लिए आपको मैं जो टेक्नोलॉजी हमारा टीम प्रोवाइड करेगी, वो टेक्नोलॉजी टीम प्रोवाइड करेगी आपको एक मोबाइल कवर को एवरेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 25 रुपये पड़ेगा। तो इसको बेचना है, वो कैसा बेचना है, क्या बेचना है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं अभी बताऊंगा तो इवन मेरे वीडियोस, मेरे को ही, मेरी बिल्ली मेरी को मियाँ, दुनिया को ही काम करते, बेचना कैसा, महीना में 2 लाख कैसा कमाना मैं सिखाता हूँ आपको। मैं 500 मॉडल की पैकेज दूंगा, 500 मॉडल की पैकेज में आपको दूंगा, ये इसमें कोई डाई जो मेटल और कास्ट आयरन का बना हुआ है, डाई कास्ट का बना हुआ ये डाई दूंगा। ये मोबाइल कवर है, कोई पैकेज में आपको 2500 दूंगा, किसी पैकेज में 5000 दूंगा, 500 मॉडल का दूंगा, किसी में 300 मॉडल का दूंगा, किसी का 200 मॉडल का दूंगा। तो ये पैकेजेस जो स्टार्ट हो जाते हैं आपके लिए, एक पैकेज स्टार्ट होता है, जरा प्राइस का लिस्ट देना, पैकेज का, मैंने जो पैकेज का मॉडल बनाया है। देखो मेरे दोस्तों, पहला इम्पोर्टेंट है कि बिना आप समझे बिजनेस करना चाहते हो, वहां कोई लूटता है, और कहीं ना कहीं पर्सन आके हमें बोलता है कि अरे सर 99sublimation लूट लेते। अरे मेरे दोस्तों, कंपटीशन को पता ही नहीं कि बिजनेस करना, जब बिजनेस करना ही नहीं आता तो वो भी हमसे क्या मजाक करेगा। बिजनेस करना हम सिखाते हैं, हमें से मजाक करने वाला मजाक ही बन जाएगा ना, बिजनेस कहाँ कर पाएगा। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, 500 मॉडल के लिए हम क्या देंगे, 3D कमीशन देंगे,
एक एप्सॉन का प्रिंटर देंगे आपको, एक इंक देंगे, इंक का एक पूरा सेट देंगे, पेपर्स हमको आपको 1000 शीट्स देंगे, टेप देंगे, ये भी पेपर जो है आपको ये क्वालिटी पेपर मिलेगा जिसमें इतनी क्वालिटी ऑफ कवर्स बनेंगे, देख पा रहे हो आप, क्वालिटी देख लो, ये क्वालिटी का कवर्स बनेंगे। देखो मैं आप लोगों के सामने आता नहीं हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना है तो है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी बनाना है तो मोहन चंद्रा आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ये तरीके की कलर्स आप प्रिंट कर सकते हो। तो इस सौ एक मैं भूल चुका हूँ, मेरे पैकेज में, यस मेरे पैकेज में सॉफ्टवेयर भी जुड़ा हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर है आपको मैं दूंगा जिसके चलते आप अपनी प्रिंट फाइल बना सकते हो, डिजाइनर बना सकते हो। देखो एंड कंज्यूमर जो देख रहा है ये देख रहा है प्रिंट फाइल, प्रिंट का फाइल ये बन रहा है, तो आपको मैं ये भी दूंगा, सॉफ्टवेयर दूंगा, मैं मोड्स दूंगा, 500 मॉडल का कवर्स दूंगा। तो ये पैकेज का कॉस्ट होगा जब 500 मॉडल की होती है 1,16,000 अप्रोक्सीमेट नंबर है, मैं पूरा गिनूंगा नहीं, 1,16,000 प्लस 18% की जीएसटी, आप कैलकुलेट कर लेना कितना होगा, जिसमें 500 मॉडल बनाने की विद डाई के साथ मैं दूंगा। ये बहुत बड़ा जोक है पब्लिक के लिए लेकिन ये रियलिटी है, जो 99 सब्लिमेशन का टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप क्लिनिक के थ्रू से ये पॉसिबल भी है, 500 मॉडल बनाने की तरकीब और 500 मॉडल्स बनाने की तरकीब और 500 मॉडल की मोबाइल की कवर जो एवरेज है आपको 22 रुपया के वर्कआउट करेगी, 22 रुपीज में आपका कवर, तो मतलब मान के चलो 25 रुपया में कवर बनाओगे ये, क्योंकि ये जो आपको फाइनल स्ट्रेटजी होगा बिजनेस का स्ट्रेटजी, जो आपको ट्रेनिंग जब हम यहाँ देंगे वो टाइम में हम बताएंगे, ठीक है। 500 मॉडल के लिए मैंने बताया 1,16,549, आप सारे जानते हो तो मैं हिंदी में वर्ड्स बोल सकता हूं लेकिन नंबर्स नहीं गिन सकता, 1,16,549 रुपीस प्लस 18% की जीएसटी। तो और एक पैकेज है जो 300 मॉडल का पैकेज हमने डेवलप किया है, उसका कॉस्ट होगा 81,559 रुपीस प्लस टैक्स। आप दया करके एक एक का वैरायटी का रेट मत मांगो, पूरा पढ़ो, मेरा वीडियो में लिखा हुआ है, मेरे हमारे यूट्यूब चैनल में जाके सर्च करो, जब तक सर्च नहीं करोगे एक एक रेट कितना है फोन करोगे तो गला काट देंगे, क्योंकि सारे लिखा हुआ है, पढ़ो, जिंदगी में पहले तो पढ़ा नहीं, एटलीस्ट अब तो पढ़ो। तो सेकंड पैकेज मैंने बताया आपको 81,559 रुपीस प्लस 18% जीएसटी, जिसमें 300 मॉडल के लिए 300 मॉडल का कवर दूंगा, एक पीस नहीं दूंगा, डर मत जाना, एक पीस दे दूंगा करके, मिनिमम आपको 5 या 10 पीस दूंगा, वो मेरी चॉइस है। और आपको मैंने बता दिया एवरेज 22 रुपए का कवर है, इस पैकेज जब छोटा होता है तो कवर का कॉस्ट बढ़ेगा, 22 से 24 होगा, 24 से 26 होगा, 26 से 28 होगा, 28 से 30 भी हो सकता है, क्योंकि पैकेज जितना छोटा बनाओगे, क्योंकि हम तो सेवा नहीं कर सकते आपको, हाँ यहाँ जो आते हैं ऑफिस में, सर मैं मशीन यहाँ से खरीद लूँ क्या, वहां से ये खरीद लूँ, वहां से ये खरीद, मजाक चल रहा है क्या? बस आप ऑफिस में आए हो, दुकान नहीं है, दुकान होता तो मैं चांदनी चौक में लगाता ना। जब आपको ट्रेनिंग हम दे रहे हैं तो ट्रेनिंग में देने के लिए मेरे पास आते हैं, आज देखो मैं बहुत हैरान की बात है, मैं ऑफिस में आ गया बहुत दिनों के बाद, तो एक क्लाइंट हमारे पास आता है और बोलता है कि सर हम मशीन आपके पास सस्ता है हम खरीद ले, अरे सर ये डाई तो हमारे पास वुडन का मिलता है तो सस्ता है। तो मेरे दोस्तों आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ लो, वुडन का डाई 100 रुपए का भी दूंगा। तो आपको मैं बोल रहा हूँ ना, 500 मॉडल का जब मैं मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी आपके पास लगा दूंगा 1,16,549 रुपीज में, 300 मॉडल जो है 81,559 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। देखो हम टैक्स को चोरी नहीं करते मेरे दोस्तों, टैक्स को आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको 300 मॉडल की तरकीब दे रहा हूं बनाने की। तो थर्ड है कि आपको 73,559 रुपीस में 200 मॉडल बनाने का, तो आप देखो बस 73,000 से 1,16,000 जाने के अंदर में आपको मैंने
टोटल जो है 200 मॉडल से 500 मॉडल बना चुका हूं। तो सेकंड है, इसको करना है तो आपको आना होगा दिल्ली, दिल्ली आना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा। ट्रेनिंग जो है एक दिन से सात दिन का हो, एक दिन ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे, सात दिन का ट्रेनिंग का कॉस्ट होगा 10,000 रुपीज। तो आपको पे कर सकते हो तो आप दिल्ली आना, नहीं तो आप कुरियर में बोल देना, हम ट्रांसपोर्ट लगा देंगे आपकी पैकेज। क्योंकि ये ऑफिस जो है, ये ऑफिस है, आप देख पाते हो कि हमारा प्रीमियम क्वालिटी ऑफिस है। ये फ्लोर भी रगड़ोगे रगड़ जाता है, क्योंकि फ्लोर भी तो प्रीमियम फ्लोर है। हम थोड़ी जो दुकान है, जो दुकान के जैसी बातें मत करो मेरे दोस्तों। 99sublimation जो मोबाइल कवर का प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी लेके आई, मोबाइल का प्रिंटिंग के साथ एंटायर कॉटन टी शर्ट का प्रोसेस बताई, कैसा आपको महीना में 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 4 करोड़, 100 करोड़ बनाना सिखाई। तो आप हमें दुकान के जैसी बात करोगे तो हमें भी गुस्सा आता है। हम क्वालिफाइड टीम है, आपके जैसी थोड़ी जो है कि ये सारे पीपल के जैसे कि जो कि 10th क्लास में बाप ने पढ़ा, लड़का फेल हो गया तो बिजनेस करने के लिए बैठा दिया। हम एक एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। जब एंटरप्रेन्योर आदमी बनता है तो क्या होना है, एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहली बात तो एजुकेशन होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। सोच बदलने के लिए हम लोग आपसे काउंसलिंग करते हैं, एंड ऑफ द डे बोलते हो कि सर ये लेना है, आज मेरे को बहुत गुस्सा आया, एक क्लाइंट है उसको रात को 2:30 बजे मैंने टाइम दिया 3 घंटा, उसके बाद 15 दिन का मार्केट में सर्वे करवाया। एंड ऑफ द डे जब मार्केट में सडन से मैं आया हूँ, अपने कुछ व्हीकल की सेलिंग थी, मैं आया था कि मेरे को कुछ सिग्नेचर लेना था। तो एंड ऑफ द डे जब क्या हुआ, मेरा अपना ऑडी को मैं बेच रहा था, तो उतना टाइम में मेरे को सिग्नेचर्स के लिए मेरे को ऑफिस में आना पड़ा। मैं देखा हूँ कि एक पर्सन को मैं दे रहा हूँ उसी का चॉइस में, वो पर्सन बोलता है कि सर मेरे को ना वुडन का डाई लगाना। मेरे दोस्तों वुडन का डाई 100 बार मैं बोल चुका हूँ, नहीं लगाना, मशीन खराब होगी, कवर बेंड होगा, अब कवर बेंड होगा मशीन फटेगा, इतना चीजें होगा, पंप रुक जाएगा, 100 पंप हमने बदला होगा, रुक जाएगा। एंड ऑफ द डे क्या, 99sublimation ने हमें लूट लिया। मेरे भाई तेरे को कौन लूटेगा, शर्म करो, लूटने का भी शर्म होता है, किससे लूटा जाता है। आपको हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास टाइम ज्यादा हो गया ना, तो उसी लिए तो इस बार से हमने बोला कि जो भी काम करना है तो प्रॉपरली। तो आपको मैं, हम लोग दे रहे 500 मॉडल, 300 मॉडल, यस ये दोनों एयर जो प्रोजेक्ट ऑपरेट होगा, विशाखापट्टनम से ऑपरेट होगा और दिल्ली से ऑपरेट होगा, बस दो ही सेंटर। कोई भी सेंटर हमसे मिलकर काम करना है, सेंटर खोलना चाहता है, तो आप सोचो कि आओ हम लोग एक मेट्रो सिटीज में देंगे, एक मेजर सिटीज में देंगे, उड़ीसा होगा तो भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल होगा तो कलकत्ता, गुवाहाटी, ऐसा करके हम सेंटर में आपको देंगे, आप काम करो, हम प्रोजेक्ट देंगे, आप हमारा ऑफिस चलाना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगी, करोगे तो करो। महीना में मेरी चैलेंज है, मेरा जो क्लाइंट है जो लगा रहा है 1,16,000 रुपया 500 मॉडल में, उसको मैं एक महीना में 2 लाख कमाना सिखाऊंगा। जो पर्सन लगा रहा है 81,000 उसको मैं 1 लाख कमाना सिखाऊंगा। जो 73,000 लगा रहा है उसको तो मैं 50,000 कमाना सिखाऊंगा। देखो इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न, क्योंकि लेकिन बाकी आपका टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। जब तक आप टाइम को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसा कैसा कमाओगे मेरे दोस्त। आप हैरान हो जाओगे यदि मैं आपके मार्केट में किसी लड़के को मैंने बैठा दिया, मेरी स्ट्रेटेजी मैंने फिट किया एग्जैक्टली 7 to 8 days में 3D मोबाइल कवर का काम आप लोग बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो तरीका होता है बिजनेस करने का, तरीका नहीं है, आप बिजनेस करना दुनिया को सिखाते हो। अरे यार जब भी काम करना है तो आप इंडिया मार्ट से रेट ढूंढ के एक जगह से एक रेट लेके टाइम पास करने आओ मत। आपको करना है, उसी लिए मैं गुस्से में मेरे को पैकेज बनाया हूँ। अब 500 मॉडल का पैकेज चलो कौन देता है देखते हैं, 1,16,000 रुपये में मैं आपको 22 रुपये का एवरेज कवर रेट में देता हूँ, चलो देखो कौन करता है। तो और मैं बोलता हूँ कि दिन का 400 कवर से 500 कवर आप बना के बेच पाओगे, 400 to 500 कवर इन ए डे ऑफलाइन में। ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, ये दिमाग मत लगा लेना, ऑनलाइन में भी मैं करवा दूंगा। एक दिन का ट्रेनिंग फ्री रहेगा इस पैकेज के साथ, यस इस पैकेज में हम 20,000 रुपये कमाएंगे तपर भी। क्योंकि आप हमें पूछे हो
पैसा कमाने की मेरे बात करता हूँ तो पहली बात है, मैं पैसा कमाना सीखा बचपन से यार। मेरी बचपन में मैं पैसा कमाना सीखा, एंड ऑफ द डे आप मजाक से समझ रहे हो, क्योंकि पैसा कमाना बहुत इजी है इस भारत देश में। पैसा कमाना सबसे इजी है क्योंकि किसी को कमाना नहीं आता। झूठ बोल के पीपल बेचते हैं यार। अब बोलते हो 7-8 लाख 10 लाख रुपया, कोई कमेंट कर रहा था 7-8 लाख रुपया हम आपसे लूट लेंगे। कौन कमा बोल रहा था वो बर्सन को सामने लेके हो तो? एक प्रोजेक्ट होती है जिसमें आपका एक आप एक मिनट लाइन में रहो, आप रहो, मेरे को ये फोन उठाना है। हेलो, नमस्कार सर, रांची से बताइए सर। जी हाँ सर, बोलिए सर। सर आपको बढ़ाना नहीं, अलग करना पड़ेगा सर। सर क्योंकि बढ़ाने यदि नंबर प्लेट में आप कर रहे हो तो आप देखो गवर्नमेंट क्या की, अपना बिजनेस को खत्म कर दिया, आप तो जानते हो राइट। जब क्योंकि नंबर प्लेट में क्या होता था, पहले स्टिकर कट के वेनाइल से प्लॉटर वोटर से कट कट के ये काम होता था। एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने क्या कि अपना नया मॉडल का बिजनेस लेके आई, किसी कॉन्ट्रैक्टर को उठाई, बोले कि नंबर प्लेट तू बना, तेरे को पैसा मैं देता हूँ और तू पीछे से पैसा देगा, क्या देगा भगवान जाने। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि एक नया गाड़ी बिकता है तो 500 रुपया 1000 रुपया उसी में बिलिंग में ऐड किया जाता है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो बंदा अच्छा से काम कर रहे थे, कम से कम मैं देखा हूँ हर सिटी में कम से कम 10-12 पीपल ना इस काम में है, तो उनको रातों रात में काम खत्म हो गया सर। सर एक ही है कि तरीका बदलना होगा, काम कुछ भी हो जाए समझो। तो आप जब तक तरीका बदलोगे नहीं तो आप कैसा बड़ा बनोगे सर। रांची में मैं बहुत बार आता हूँ रांची ऑन एंड एवरेज। अभी भी मेरा एक रांची का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। हाँ तो रांची का प्रोजेक्ट में हम इवन ऑफिस भी देख रहे हैं, मतलब मेरा एक क्लाइंट का है, उनको मोबाइल कवर के ऊपर काम करना है, मोबाइल की एक्सेसरी का लाइन, वो मोबाइल कवर के में काम करना है। बोले से मैंने ही बता भैया मोबाइल का एक्सेसरी में काम करो, मोबाइल का कवर में मत काम करो, क्योंकि मोबाइल में तो कवर भी लगेगा, चार्जर भी लगेगा, डाटा केबल भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। क्योंकि वो हमारा वीडियो कहीं देखा, फोटो लगाते हुए देखा, और कस्टमर ने कोई फोटो और वीडियो देखा इसमें फोटो लग सकता है। मैं बोला कौन सा गधा फोटो लगा के घूमेगा, 100 बंदे में तो 2 ही बंदा फोटो लगा के घूमते हैं, बाकी 98% पीपल को तो एक मोबाइल का कवर चाहिए, वो भी प्रोटेक्शन के लिए। उसमें डिजाइन होगा तो बार बार चेंज करेगा, प्लेन होगा तो जिंदगी भर चलाएगा। तो डिजाइनर कवर का आदत लगाओ, पैसा बना लोगे। फिर उसको मैं बोला टेम्पर्ड ग्लास बेचो, वो बोला कि सर टेम्पर्ड ग्लास तो दुनिया बेच रहा है। मैं बोला कि 10 रुपये में बेच दे तू, तो बोला कि सर 10 रुपये में मार्केट खराब हो जाए। मैं बोला तेरे को जो मार्केट पैसा तेरे को कमा के नहीं दे सकता है, उसको खराब करने में क्या गलती है हा? वो टेम्पर्ड ग्लास के लिए आएगा, मोबाइल कवर तेरा खरीदेगा। टेम्पर्ड ग्लास में 0 प्रॉफिट में काम करना, मोबाइल कवर में कमाओ 100 रुपया कमाओ एक में। दिन को 300 पीपल आगे खरीदेंगे तो दिन का 30,000 रुपया तो इनकम आएगा। तो वो बोला कि सर मेरे लिए प्रोजेक्ट आप बनाओ। मैं बोला डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं जब सोलर का बना सकता हूँ, आईटी का बना सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन का बना सकता हूँ, तो तुम्हारा मोबाइल कवर नहीं बना सकता क्या, आपका टी शर्ट का काम खड़ा नहीं कर सकता क्या। सर एक सिंपल सा है, जब टी शर्ट की बिजनेस की मैं बात करता हूँ तो पहला इंपॉर्टेंट रूल है सर, रांची को मेरे हाथ में दे देना पड़ेगा सर, तभी तो मैं काम कर सकता हूँ। मेरे को बच्चे लोगों का खेल नहीं खेलना, मेरे को टी शर्ट वहां खेलना है तो कॉटन टी शर्ट 200 रुपये में एंड कंज्यूमर को दूंगा। दिन का 500 टी शर्ट बेचो, 500 × 50 रुपये बचाओ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं, हाँ 500 × 50 रुपये बचाओ ना, दिन का 75,000 अपना देखना है, दुनिया का कुछ नहीं देखना। 22 लाख रुपये महीना में उठाओ, ठीक है काम ऐसा हो। देखो 500 × 50 रुपये कितना होगा मेरे को याद नहीं है,
शायद 2,500 होगा, 25,000 होगा, मेरे को 7.5 लाख रुपया होगा शायद, ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट मैं पूरा लिख के दूंगा, प्रोजेक्ट को पूरा बना के दूंगा, मेरे से मशीन खरीदने का जरूरत नहीं है, मशीन जहाँ खरीदना खरीद सकते हो, मैं प्रोजेक्ट बना के दूंगा तो मैं चार्ज करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि 2018 तक ना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किया। पब्लिक ने बोला कि एक कंपनी बन के 400 करोड़ की कंपनी हो गई, कोई 100 करोड़ का कंपनी हो गया, एंड ऑफ द डे बोला कि हम तो बचपन से पैदाइश से इंटेलिजेंट थे। अब मैं बोला पैदाइश इंटेलिजेंट है तो इस बार देखते हैं कि हर बंदे का से मैं बिजनेस स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो पैसा लूंगा, लेकिन महीना में 10 लाख 15 लाख कमाना सिखा दूंगा। तो उससे 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 उसके चलते क्या है, पहली बात है मैं बिल करूंगा ना, मेरी बैंक अकाउंट में हिट करेगा ना, वो बड़ा बनने के बाद बंदा बात करेगा ना, दो झापड़ मारूंगा। हाँ नहीं, आईएम से एमबीए करके मैं जख मारने थोड़ी जो दिल्ली में बैठा हूं। इतने प्रोजेक्ट सर आपका रांची में, कम से कम मैंने 22 प्रोजेक्ट बनाया, होटल से लेके सारी चीजें। एंड ऑफ द डे बोलते हैं बचपन से हम होटल से खेलते थे, तुम नहीं खेलते थे, को पैसा ही कमाना नहीं आया, पैसा कमाना नहीं आया, पैसा कमाना मेरे को आया, मेरे को देखे और एंड ऑफ द डे बोले कि सर आप मेरे लिए हेल्प करो, अच्छा से बात करते हो। तो बात अच्छा करने से नहीं है, आदमी का कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है सर, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सुनो। आपका रोड में पैसा कितना पड़ा है आप देखे हो कभी, रोड में पैसा पड़ा हुआ है कभी देख पाए हो क्या? तो मैं दिखाऊंगा, आप भी देखो, सुनो, अभी मैं बताता हूँ, देखो दो जगह दिखाऊंगा पैसा कैसा पड़ा हुआ है। रांची में सैटरडे का नाइट है आज, खूब दारू पियेंगे, पब्लिक मानते हो कि नहीं, पियेंगे ना, मूवी जाएंगे, मूवी जाएंगे, मस्ती करेंगे, जो करेंगे करेंगे, कहाँ एयरपोर्ट का रोड से लेके आपको हटिया होके, हटिया होके इवन कौन सा पीएचडी हो, पिज्जा हट के ऊपर से ब्रिज चढ़ के बिग बाजार उतर के वो कौन सा डोमिनोज पिज्जा से वो मार्केट तक आप देख लेना, कम से कम 22-23 दारू का दुकान है, लाइन लाइन लगा के दारू पियेंगे, दारू पी के रात को बॉटल रोड में फेंकेंगे, कल सुबह आप उठा लेना रोड का ऊपर का बॉटल, मार्केट में बेच देना, 10,000 रुपये एक दिन का बॉटल उठाओगे तो भी आ जाएगा, महीना में 3 लाख, रोड में ही तो पैसा पड़ा हुआ है। सेकंड, आपका सुबह आप ही का घर से कूड़ा उठाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, आपसे 300 रुपये उल्टा लेता है कि महीना में कूड़ा उठा रहा हूं घर के, वो क्या करता है, प्लास्टिक को अलग, आयरन को अलग, मेटल को अलग, ये सब करके वो फिर से करोड़पति हो रहा है। आप तो सोच रहे हो कि अरे यार ये वेस्ट को कौन उठाएगा, तो वो भी तो पैसा कमा रहा है करोड़ों का। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास बोलते हैं कि कस्टमर आ जाना चाहिए और मैं करोड़पति बन जाऊं, तो कस्टमर आने का तरीका ही नहीं है हमारे पास। हमें दुकान खोल के बैठ जाएंगे दुकानदार के जैसी। हाँ तो दुकानदार कौन होता है बताता हूं, सुनो सर, बचपन में एक पर्सन होता है, दो दोस्त होते हैं, ठीक है, एक एक दोस्त होता है आपका, आप ही का जीवन में हुआ होगा देख लेना, एक पर्सन है खूब पढ़ लिख के वो एमबीए कर दिया नहीं तो डॉक्टर बन गया, दूसरा बंदा 8th क्लास फेल हो गया 3 बार, क्योंकि बचपन से बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, कहीं नहीं खाया, गुटखा खाया, मूवी बचपन में ही लव अफेयर, वो फेल हुआ 3 बार, स्कूल ने निकाल दिया, बाप ने बोला कि साइकिल का दुकान में ज्वाइन कर ले, ये साइकिल का दुकान में ज्वाइन हुआ तो जरा ज्यादा पैसा आया, पॉकेट में पैसा बचपन से था, दारू भी सीख लिया, दो लड़की को भी घुमाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जरा जहां पैसा होगा लड़की तो वहीं रहेगी, तो घुमाना स्टार्ट किया, तो बाप ने देखा कि अरे भाई मेरा लड़का तो और बिगड़ रहा है, तो बोला कि मेरा रिटायरमेंट का पैसा आया 5 लाख रुपया, हाँ काकू अंकल का बेटा तो मोबाइल का शॉप चलाता है तो तू भी मोबाइल का शॉप चला ले, वो बड़ा बन गया, वो कपड़े का शॉप चला रहा है तू भी बन ले, ऐसा करके दुकानदार बना देता है। अब इसको क्या है, और बैठ के चार दोस्तों को दुकान के पास अड्डा मारना स्टार्ट करवाता है, उसमें एक आध दुकान वाला सक्सेसफुल हो जाता है, जो बीवी अच्छी आ जाती तो वो घर में ना टंग टंग सर के ऊपर मार मार के सीधा कर देती है,
हाँ, जिसका बीवी सही नहीं है वो भी ऐसा ही है। अब गरीब को तो गरीब का बीवी आएगी ना, अमीर का बीवी थोड़ी जाएगी। तो अब तो वो भी फिर क्या करेगा, वो भी जाके वही काम करेगा जो जिंदगी भर हमेशा हमेशा ये काम होता है। तेरे को लो बैटरी होने से क्या है, मेरा फोन है, चल। हेलो, तो आप क्या है, देखो अभी मेरा वीडियो का शूटिंग चल रहा था, ठीक है, तो वीडियो का शूटिंग में मैंने फोन उठाया, मेरा लड़का बोला कि वो शूटिंग में ही बात करता हूँ सर, क्योंकि मेरा और आपका जो कन्वर्सेशन है, फ्रांसिस क्या नाम है आपका, अदनान, अदनान से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे यूट्यूब का चैनल में यही वीडियो आएगी, तो इसी का चलते क्या है, आपको अनेक ऐसे अदनान को जिंदगी तो बदलने का तो कोशिश तो करेगा। अब आप तो टेक्नोलॉजी को बिलीव नहीं करते, राइट, नॉर्मली क्या है, आदमी टेक्नोलॉजी को बिलीव नहीं करता, सिर्फ आदमी को बिलीव करता है। आदमी क्या करता है, 8 घंटा का जॉब दोगे तो 2 घंटा काम करेगा, 6 घंटा सो जाएगा। अब 2 घंटा मैं बोलता हूं कि आप बिलीव करो वो कंप्यूटर को जो 24 घंटा काम करेगी आपके लिए। नहीं, वो बंदा बोलता है कि सर सॉफ्टवेयर तो महीना में 5,000 रुपए ले रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि लड़का जो तेरे घर में चाय पी ले रहा है उसका भी तो कैलकुलेट करो। लेकिन वो सॉफ्टवेयर के ऊपर 5,000 के लिए टेंशन ले लेता है यार। अब मैं ना पर्सनली मिलना बंद कर दिया, क्योंकि पर्सनली मैं मिलके मैं पांच, अब क्या होता है कि पर्सनली मिलने के बाद वो पर्सन बोलता है कि सर इसमें ना डिस्काउंट कितना होगा। अब अपने आज प्रोडक्ट है, एक ऑफिस चलाता हूँ, ठीक है, जिसमें प्रोफेशनल पीपल को चलाता हूँ, टीम ऑफ IIM एंड IIT ऐसे करके अच्छे अच्छे पीपल का CS के साथ मिलके काम करते हैं, क्वालिफाइड टीम है। दुकानदार के जैसे बिहेव करेगा तो 2 झापड़ मारने का तो मजा है, तो मेरे को आएगा ना, दुकानदार अलग है यार, दुकानदार का काम है बैठ गया वो, हम तो मार्केटिंग करते हैं। तो आपको जब मैं काम सिखाऊंगा ना, तो पहला बार बोला रांची मेरे हाथ में दे दो, कुछ करना नहीं, मैं रांची में मैं ऑफिस एक स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। हाँ, मेरा एक क्लाइंट है, बोला कि सर मेरा ऑफिस जो आप बनाओगे, आपको ना ऑफिस में ना आप वहीं से काम करो करके मेरे को बोल रहा था। मैं बोला कि डेफिनेटली यार, मेरे को 2-3 बार आने का होता भी रांची में ना, तो मैं क्या अभी वहां आने से ना मैं बोर हो जाता हूँ, 1/2 घंटे 1 घंटे का काम होता है, उसके बाद जबरदस्ती वो PVR में वो मॉल में मूवी देखना होता है, पिज्जा हट में बैठ के पिज्जा, तो क्योंकि फ्लाइट का टाइम तो वो डिले हो जाता है, ठीक है। तो आपको आपको क्या करना है बोले से बोलो ना, महीना में 10 लाख कमाना है सर, ऐसा बात बोलो। आप बोलो कि सर 50,000 में जिंदगी जी लूंगा, 50,000 में जिंदगी जी लूंगा तो मेरा ऑफिस में आप एक बार आ जाना दिल्ली, तो आपको 50,000 का जिंदगी जीने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 लाख रुपए का सामान लेके चले जाना, 50,000 का जिंदगी जी लेना। लेकिन मैं जब आपको स्ट्रेटेजाइज करूंगा, वही 2 लाख रुपए लगाना या वो 5 लाख रुपए लगाना, 10 लाख लगाना, महीना में 10 लाख सेकंड मंथ में आएगा, सेकंड मंथ से। तो ऐसा, क्योंकि मैं ना धीरे धीरे चलने वाला बंदा नहीं हूं बस, क्योंकि जिंदगी में कमाना है स्पीड से कमाना है, 3-4 साल एटलीस्ट पैसा का तो झमेला खत्म हो जाएगा। हाँ, जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर, टाइम ही नहीं होता है। क्या बोलने से सर टाइम नहीं है, तो मेरे पास दिन में 22 घंटा का जागने की पावर है और 22 घंटा मेरे को बात करने की टाइम है। मैं बोलता हूँ कि मेरे दोस्त लोग मेरे को फोन करते हैं, 3-4 घंटा मैं बात करता हूँ, वो बोलता है कि अरे यार वर्किंग का टाइम में भी कैसा बात कर पाते हो। मैं बोला हूँ कि टाइम को मैंने मनी में कब का कन्वर्ट कर दिया, टाइम को मैंने मनी में कन्वर्ट कर दिया, मैंने 10 लड़के को लोन को लिया, 10 लड़के को 14 घंटा काम करवाता हूँ, तो एक आदमी 2 घंटा काम करता है, तो मैं 14 घंटा काम करवाता हूँ, उसके ऊपर मैं CCTV कैमरा लगाया, घर में मेरा माँ को दिया एक 55 इंच का TV, उस CCTV में बैठ के मेरा माँ का काम है, TV नहीं देखना है, मेरा माँ का भी काम है पब्लिक को देखना काम कर रहा कि नहीं। मैं 14 घंटा का जो रेट है वो घंटों में मैं पे करता हूँ पब्लिक को।
तो 2 घंटा वो घंटा का जितना काम करेगा उसी का पेमेंट जा रहा है, तो उसके चलते क्या हो गया, मेरा जो नॉर्मली एक बंदे का 3 महीना का एम्प्लॉयमेंट का नहीं, खुद बन के बैठ के 1 साल जो चलाता है मेरा, 1 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मैं घंटे में भी हिसाब लिया ना, 1 मिनट का मैं रेट लगाता हूँ अपना आपको, तो मैं वक्त को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा 1 ना 1 दिन। अभी तो मिनट मेरा 8,000 रुपये का है, मिनट का है, 1 दिन मैं सेकंड को कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि सर पैसा कमाना सबसे इजी है, देख नहीं पाते हो, और मैं दिखाने से आप बिलीव भी नहीं करते हो, अरे ये होगा नहीं। सर नेगेटिव आदमी तो पहले आदमी पैदा होने का 1 घंटा का पहले नेगेटिविटी पैदा होगी इंडिया में, क्योंकि सर आगे आगे आपको ड्रीम लेके चलना है कि भैया मेरे को 3 साल के अंदर में ये साला जिंदगी में पैसा कमाना बंद कर दो, सोसाइटी को हेल्प करो। तो क्या करना है, कुछ नहीं, आप जो बोलोगे सर, राइस बेचना है तो राइस बेचवाऊंगा, तेल बेचाना है तेल बेचाना। सर 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 प्रिंट लाइन में आप थोड़ी जा नवा हो, आपको पैसा कमाना है यार। नवा का बाप बोलता है कि भैया हमारा जिंदगी में तो हम नवा है और आपको मेरा बेटा भी नवा बनेगा। आपको कोई लाइन वन कुछ नहीं है, आपको है पैसा कमाना इस लाइन। सर आपको कुछ नहीं है सर, आसानी कुछ काम नहीं है, वो प्रिंट लाइन में आपको टी शर्ट का प्रिंटिंग है तो मैं टी शर्ट का लगवा दूंगा, टेंशन मत लो, बिग बाजार से सस्ता बेचेंगे, प्रमोट करेंगे मार्केट पूरा, भैया मेरा रेट, और डायरेक्ट बेचेंगे, बीच का मार्जिन किसी को नहीं देंगे, बीच का मार्जिन नहीं देंगे, जरा ऑफिस सुंदर दिखाएंगे, क्योंकि ऑफिस सुंदर रहेगा तो बंदा आके तो एटलीस्ट गुटखा का तोक तो नहीं डालेगा, नहीं तो 200 रुपया करके गरीब आएगा गुटखा का तोकेगा, उसको बोलेंगे कि रांची का कल्चर को प्रिंट करेंगे यार टी शर्ट में, गलती क्या है, हाँ रांची का कल्चर को, झारखंड का कल्चर को, मैं झारखंड से हूं, मैं रांची से हूं करके डिजाइन बना के डालेंगे, हाँ क्योंकि कौन हर समय, तो मेरा क्लाइंट्स बहुत है bewakoof.com में, सर सारे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं का कॉपी क्यों करना है मैं पूछता हूँ, मैं हर बार पूछता, हर क्लाइंट मेरे को बोलता सर bewakoof.com, वो मेरा अच्छा क्लाइंट है, मेरे को स्टार्टिंग से जानता है, स्टार्टिंग से उनको साथ मेरा अच्छा दोस्ती है, तो अरे यार मैं बोलता हूँ कि वही एक ही बंदा है क्या आपका जीवन में, नया तो सोचो। मैं बोलता हूँ सर एक कॉटन का टी शर्ट का रेट कितना है, 500 रुपये मार्केट में, सर हम ब्रांड देंगे 500 रुपये वाला, हम बेचेंगे 200 रुपये में ना, क्यों हम 300 रुपये का क्लॉथ देंगे, हम 500 रुपये का क्लॉथ देंगे 200 रुपये में बेचेंगे ना, हमें क्या मतलब है, दुनिया क्या होगी, हमारा होना चाहिए कि बस हमारा जो 50 डिजाइन जो लॉन्च करेंगे वो 50 डिजाइन में स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल सब कटना है, इवन बच्चे का कटना है, वाइफ का कटना है, फैमिली का कटना है, तो स्ट्रेटेजी में मार्केटिंग करना होगा, नहीं तो आपको मार्केट में कैसा पता चलोगे कि आप इतना 200 में दे रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत इजी से हम कर देंगे सर, कुछ नहीं है उसमें, एडवर्टाइजमेंट में भी पैसा कमा सकते हैं, क्यों एक आपके शहर में है, मैंने कुछ स्ट्रेटजीज ऐसा बना दूंगा, डिस्को लगा देंगे, पब्लिक को बोलेंगे डिस्को में फ्री में आओ, वहां टी शर्ट पहनने वाले को एंट्री देंगे और कपल को देंगे, बोलेंगे कपल रहेगा तो अंदर आना, एक परमानेंट डिस्को खोल लेंगे, जरा दिन के बाद वो डिस्को में से भी पैसा कमा लेंगे ना। सर पैसा कमाना इजी है, आप मानते नहीं हो, बस मानना जिस दिन स्टार्ट कर लोगे ना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, हाँ आपने टी शर्ट का प्रिंटिंग बोला तो टी शर्ट प्रिंटिंग से ही हम शुरू करेंगे, तो सर पैसा करना होगा वो तो दिल्ली में दर्शन तो आओ आप एक बार मिलो मेरे से पर्सनली, सर रांची से फ्लाइट पकड़ोगे तो 3.5 घंटा, यदि मैं आऊंगा तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, बताओ क्या क्या बेटर है, नहीं देखो एक सिंपल है बस आपको करना है,
पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट वाइजली करना पड़ेगा, मतलब भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो, क्योंकि वो करता है तो मैं कर रहा हूँ, वो करता है मैं करता नहीं, मैं करूँगा तो साला मार्केट नहीं रहेगा, मैं करूँगा तो मार्केट नहीं रहेगा, अमेजन से एक ऑर्डर मार्केट में उतरेगी नहीं, समझ रहे हो? तो वो हिसाब से करना है, नहीं तो धीरे 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 धीरे, अरे यार मार्केट का, मेरे को कल किसी को हमने स्ट्रैटेजी बना के दिया, हमने बोला टेम्पर ग्लास को 9.99 रुपीज में बेचो, सर मार्केट खराब हो जाएगी, मैं बोला तेरा मार्केट तेरे को पैसा ही दे नहीं पाया, महीना में 10,000 रुपये कमाता है, वो बंदा बोलता कि मार्केट को सेव करेगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल भी मैं बताता हूँ, आप सुनो, बिजनेस के बारे में बात करता हूँ तो बिजनेस में कितना एडवांस मैं सोच सकता हूँ, नहीं मैं आपको बताऊंगा जो देख सकते हो आप, ठीक है? एक एक पर्सन का नाम है धीरूभाई अंबानी, उसको दो बेटे हैं, एक का नाम है अनिल अंबानी और एक का नाम है मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी ने 2002 में एक मोबाइल का फोन लॉन्च किया, उसका नाम था कर लो नाम मोटी में, कर लो दुनिया मोटी में, क्योंकि उसका डैड का सपना था मुट्ठी में करने के लिए। वो अभी वो केस में ऐसा करके पूरा बर्बाद हो गया, आप जानते हो, एक ही घर का फैमिली से बर्बाद हो गया, आखिरी में क्या उनको केस तक आ गया उनके ऊपर, राइट? और एक बंदा जो इन्वेस्ट किया पब्लिक के ऊपर, पीपल के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, वो कर लिया रियली मुट्ठी में। आप और हम जो बात कर रहे हैं वो है जियो, और सेकंड क्या है, पहले जो होता था मेरी ऑफिस के गोडाउन में, आज भी मेरे ऑफिस के अंदर में आज भी हमारे पास ना एयरटेल का सिग्नल आता है, ना वोडाफोन का आता है, टाटा ही नहीं हो बिक गया वोडाफोन में, ठीक है? मैं भी वो टाइम में वो टाटा के लिए काम करता था, उसी को देख के तो रिलायंस ने जॉन्च किया, तो हमारा जॉब्स भी गया। तो अब आप क्या सोचो, एक ही घर में एक ही पर्सन, एक ही डैड ने दोनों बच्चे को इक्वल प्यार दिया, एक बंदा काम किया गरीबों के ऊपर और एक बंदा काम किया अमीरों के ऊपर, अमीरों के ऊपर नहीं, पर्सन के ऊपर, नीड के ऊपर, आदमी का नीड के ऊपर। तो मैं काम करता हूं आदमी का नीड के ऊपर, सर आपको नीड है पैसा कमाना, मेरा नीड है इज्जत कमाना, मैं इज्जत से पैसा कमाता हूं, अब पैसा से इज्जत कमा लो ना, बात बराबर हो गई। अब पैसा आ जाएगा आपका दोस्त घर फैमिली सब कुछ तो आपको आगे चूम लेगा, तो मैं आपको पैसा कमाना सिखा दूंगा, तो मेरे को रांची में रात में दे दो, नहीं है बस, आप काम करोगे तो आप मेरे साथ हो तो रांची हाथ में, तो नहीं नहीं अब क्या है, देखो बस सिंपल है, मैं इंडिया में हर सेंटर आ रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में भी तो बिल्ली को दिखा दिया हूँ, तो रांची में आऊंगा तो रांचो को भी बुलाऊंगा ना। हाँ तो आप समझो कि ये मेरे को जो फेवरेट सिटी है मेरी वो एक रांची है, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी आएगा ना रांची में रहूंगा तो फोन का सिग्नल नहीं आता है, रेडिसन ब्लू के अंदर सिग्नल भी नहीं आता है, तो एटलीस्ट कुछ कपड़ा खरीदूंगा, नहीं तो सामने में लुइस फिलिपी है। सर आपको रांची का रोड बता दूंगा आपको कहाँ से कहाँ तक, तो अब क्योंकि रांची में तो आप जो शहर का आपका नाम बता दो जो शहर में फ्लाइट उतरता है, 16 कंट्री बता देना, मैं रोड गिना दूंगा आपको, कहाँ नॉलेज है बस, मैं तो आप ही का जैसे छोटा बच्चा हूँ, कैसा करना है आपको डिसीजन लेना है, बोलना है कि बस आप मेरे पास इतना ही पैसा है, बस जितना पैसा है वो पैसा आपका है, तो एक है कि पैसा अच्छा इन्वेस्ट करोगे तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मंगाऊंगा। आप बताओ ना सर, मेरे को क्या पता आपका पॉकेट में कितना पैसा, 5 लाख 10 लाख, नहीं ये नहीं, बिजनेस के बारे में क्या, बिजनेस में ही जिए हो आप इतना साल। देखो दो ही चीजें हैं सर आपको मैं बताता हूँ,
एक एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए दो तरीका से वो बेचता है, एक बिकता है दुकान लगा के और एक बिकता है ऑफिस बना के। ऑफिस में मैं 400 बंदे को क्लाइंट्स को बुला लूंगा तो 100 बंदे अंदर बैठ सकते हैं, दुकान में तीसरा बंदा आएगा तो चौथा बंदा बाहर रहना होगा। तो हम ऑफिस बनाएंगे तो रेंट सस्ता होगा, दुकान बनाएंगे तो रेंट ज्यादा होगा, शोरूम इतना कॉस्टली होती है और उसमें मेंटेनेंस करने के लिए मेहनत है। एक ऑफिस बनाओगे वो रोड में बनाओगे जो रोड में बात किया, एटलीस्ट रोड में जाने वाले को तो पहले ब्रांड नेम तो दिखेगा, ये ब्रांड है, ब्रांड ब्रांड है सर, ब्रांड मतलब टी शर्ट का ब्रांड बनाएंगे। टी शर्ट का हम टी शर्ट नहीं बेच रहे, हम ब्रांड बेच रहे, हम क्लॉथिंग के बिजनेस में जाएंगे सर। तो आपने प्रिंटिंग बोला ना, प्रिंटिंग से पावरफुल क्लॉथिंग है। आपका बदन में प्रिंट है कि नहीं पता नहीं है, आपका बदन में तो शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, आपका बच्चा का बदन में भी यही होगा, उनका बच्चा का बदन में भी यही होगा, तो नेक्स्ट का बच्चा का उसमें टी शर्ट प्रिंटिंग का जो आप बोल रहे हो वो डिजाइन का टी शर्ट रहेगा कि नहीं भगवान जाने, कपड़ा तो रहेगा ना यार। तो ब्रांड बनाएंगे ना, ब्रांड टी शर्ट से शुरू करेंगे, बाद में मैं आपको जीन्स सब कुछ डलवाऊंगा ना, पैसा कमाना तो शुरू कर लो। अच्छा इसके लिए आपको क्या करना है, सुंदर सा ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस सुंदर सा मतलब दो चीजें हो सकता है, 15 लाख में भी ऑफिस बन सकता है, 1 लाख में भी ऑफिस बन सकता है। तो वो है एक टी शर्ट का प्रिंटिंग का प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो प्रोजेक्ट में हमारा कोशिश रहेगा दिन में 300 ऑर्डर बनाने की। तो 300 ऑर्डर बनाने से 300 × 50 रुपये बनाया तो दिन का 15,000 4.5 लाख रुपये महीना का इनकम। तो 4-5 लाख रुपये अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट भी कर लो, क्योंकि जितना लगाओगे उतना तो मैं मंगाने की कोशिश करूंगा ना, वादा तो नहीं करूंगा। सर बिजनेस उसी लिए तो मैं बैंक में पैसा लगाने नहीं देता हूं, मैं बोलता हूं बैंक में रहेगा भैया पैसा मेरे को दे दो डबल करके दे दूंगा। लैंड में लगाएगा तो मैं बोलूंगा लैंड तो पिछले 5 साल में बड़ी नहीं है ना, नेक्स्ट 10 साल बढ़ेगा। गोल्ड में डालोगे तो मैं बोलूंगा पिछले 3 साल में गोल्ड कहां बढ़ा, जो ग्राम है वो ग्राम ही है, वो मेकिंग चार्ज का नाम से लूटेंगे 5 बार आप ही का गोल्ड को आप ही को बेच देंगे। तो गोल्ड में क्यों लगाना, फैशन का आज के डेट में स्टेटमेंट है सर, मैं गले में हर दिन एक नया कलर का चेन पहने, लड़की सेम ही चेन को पहन के क्या करेगी, वो गोल्ड को मैं बेचवा देता हूँ पब्लिक होगा। मैं बोलता हूँ बिजनेस में मैं लगाओ ना, बस आप पानी भी बेचोगे तो पानी से भी पैसा आ सकता है, तरीका बदल दोगे। एक मोबाइल एप्लीकेशन डाल दूंगा मैं हर घर में, तो मैं बोलूंगा कि इसमें बिजलरी का बटन ये है, इसका बटन ये है, उसका बटन ये है, और मैं बगल घर का आंटी को मैं बोलूंगा कि भैया आपका घर में वो बंदा रेड कलर का शर्ट वाला आता है ना, वो पानी लेके आता है, शुद्ध पानी पिलाते हैं, तो उसमें जरा तुलसी मिक्स करवाऊंगा। बगल आंटी बोलेगी कि तुलसी मिक्स वाला पानी आप नहीं पीते हो क्या, तो ये बगल आंटी का घर उसको मैं पैसा दूंगा बेचने के लिए। तो उसका काम है कि हर घर में तुलसी का पानी पीते हो करके पूछेगी, तो उसमें से भी तो पैसा आएगा। आदमी का नीड का ऊपर काम करना है सर, जो नीड जिंदगी भर रहता है। हम ऐसा क्या काम करते हैं, वो बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर काम करते हैं। बंदा जो काम करता है वो बंदा गधा है, वो किसी को कॉपी करता है। तो सर कॉपी करोगे तो जरा मेरा प्रोजेक्ट कॉपी क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि दूसरा बंदा जी पाएगा तो कॉपी कर पाएगा ना। जीना बंद करो ना, आपका काम को आपने तैयार किया, आपने शुरू किया, आपको तरीका अलग है। तो मैं बोला लांची का डिजाइन हम लॉन्च करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, शुरुआत उससे करेंगे, क्योंकि आपका भी शुरुआत प्रिंटिंग का है, तो मैं प्रिंटिंग में जरा दिन रखूंगा।
पैसा पहले समझो कि मनी मेकिंग इज अ बिजनेस सर, मनी मेकिंग इज अ बिजनेस। बिजनेस को आपको मंदिर के जैसी नहीं काम करना है, मंदिर में भी पैसा बनता है, मंदिर में भी पैसा ही बनता है, मानते हो कि नहीं? तो नहीं तो पैसा नहीं बनेगा तो पुजारी का सैलरी कौन देगा? हाँ, तो मंदिर में भी प्रमोशन होता है पूजा करके, साल में 5 पूजा 10 पूजा। इस भारत देश में भगवान भी डर जाता है, साल में 3 दिन 4 दिन आता है, हाँ? क्योंकि यहाँ पैसा ही बहुत प्यार है ना, तो वो भी डर जाता है, हर दिन रखूंगा तो इतना पैसा पब्लिक लूटेंगे मैं तो 5 दिन रहूंगा, दुर्गा माँ 3 दिन रहती है बंगाल में, देखो सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, एटलीस्ट दिल्ली में तो नवरात्रि 7 दिन रहता है, क्योंकि दिल्ली में जरा पैसा ज्यादा है ना, वहां तो बंगाल में तो बंगाल से आई हुई है, वहां तो 3 ही दिन रहती है। तो आपको करना है तो सिर्फ पैशन चाहिए मेरे जैसी, जो आपसे बात करते हुए अनेक पीपलों को वीडियो के लिए मैं भी बोला कि चलो फोन उठा लेते हैं, कोई अच्छा पर्सन मिलेगा तो बात करेंगे, नहीं तो मैं बोलूंगा कि बाद में बात करते हैं। सर सिंपल है, सामने देख रहे हैं आधा गधा, ये वो गधा जब देखेगा तो गधा तो एटलीस्ट घोड़ा बनेगा करके कोशिश तो मेरा है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता हूँ भारत देश के लिए, तो मैं चाहता हूँ हर पर्सन अपना पैर में ना, दुबई में भी कड़ा होके यदि फ्लाइट मिस हो गया और उसके पॉकेट में 0 रुपीस है ना, उसका रात का खाना तो खुद कमा ले, भीख ना मांगे, हाँ? क्यों नहीं कमा सकते बताओ सर? आप यूज कर रहे हो फेसबुक, पहले से आप हर दिन कुछ ना कुछ लिखते जाओ ना, यदि आपका पास नॉलेज है नंबर प्लेट का स्टिकर बनाने का, यूट्यूब फेसबुक में पहले लिखो हर दिन वो पेज बना के, वो पेज में अनेक पीपल आएंगे, तो हर दिन काम करो ना, आ जाएगा। बहुत ऐसे दिमाग का फ्री 0 इन्वेस्टमेंट में मैं कम से कम 200